राजधानी भोपाल के निवासी राजकुमार जौहरी की कृषि भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने पर मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने न्याय के लिए पुलिस थाना समेत अन्य जगहों पर ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित राजकुमार जौहरी ने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद भी अवैधानिक ढंग से तथा कथित मुकेश प्रजापति द्वारा भूमि खसरा 255/1 पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि उक्त भूमि के अधिपत्य स्वामी राजकुमार जौहरी प्रोप्राइटर आर के कंस्ट्रक्शन के नाम से है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि शासन के रिकॉर्ड में दर्ज है। आज दिनांक तक संपूर्ण भूमि पर आर के कंस्ट्रक्शन का कब्जा चला आ रहा है। मुकेश प्रजापति नामक व्यक्ति ने अवैध तरीके से उक्त भूमि पर अपने नाम से अवैधानिक तरीके से रजिस्ट्री करवा कर निर्माण कार्य कर रहा है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भाई साहब, इसमें यह है कि मेरी भूमि 255/1 पिपलानी आर के कंस्ट्रक्शन के नाम से 7 एकड़ भूमि है, जो कि कथित 2011 से मेरे पास है। उसमें कुछ विवाद हुआ, विवाद के बाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर हाई कोर्ट ने उसमें स्थगन आदेश दिए, मेरे पक्ष में कि स्थगन आदेश दिए गए कि आपका कब्जा यहाँ पे रहेगा जब तक इस केस का निर्णय नहीं हो। 2022 में अभी मुकेश प्रजापति, तुलसी प्रजापति, इन लोगों ने 2 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं सहरा बानू सदर पड़ी से। जब पूरी भूमि पे स्थगन आदेश है तो ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो सकती हैं? पूरी 7 एकड़ भूमि पे आदेश है तो 1200 फुट की कैसे रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं? उनका कहना है 40 साल से वो टैक्स भर रहा है, 3 महीने 4 महीने पहले रजिस्ट्री कराई है, 40 साल से वो टैक्स भर रहा है। नगर निगम ने उन्हें परमिशन दी गई आर्किटेक्ट के द्वारा, मनीष सक्सेना आर्किटेक्ट के द्वारा, जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया नगर निगम से। नगर निगम से नोटिस दिए गए उसे कि इस पर काम ना किया जाए, अभी रोक दिया जाए, उसके बावजूद वो काम कर रहा है। मैंने ये सूचना जी, ये मनीष मुकेश प्रजापति और तुलसी प्रजापति करके हैं जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। 2000 मैंने आप सबको दिए हुए हैं और 2011 में मैंने रजिस्ट्री कराई है उसकी। 7 एकड़ भूमि है, ना कि प्लॉट है। कृषि भूमि है क्या? जी, कृषि भूमि है। वो लोग अवैध रूप से कब्जा कैसे कर रहे हैं? 2022 में उन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है स्थगन आदेश के बाद, उसके बाद वो कब्जा कर रहे हैं और नगर निगम की परमिशन बता रहे हैं। नगर निगम ने जबकि स्थगन आदेश के बाद, आपने उसकी शिकायत भी कही? जी हाँ, मैंने पुलिस थाने में SP महोदय, CSP महोदय, कलेक्टर, जिस बैंक ने उन्हें फाइनेंस करा उसे, क्योंकि बैंक के कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं, वहाँ पे पूरी दीवारों पे लिखा हुआ है स्थगन आदेश के बारे में। उसके बाद बैंक लोन कैसे कर सकती है? कल कथित कुछ पेपर में जी, अभी आप क्या चाहते हैं? हम उसे तोड़वाना चाहते हैं, जो अभी कालम वालम डले हैं उस पर, वो सब टूटेंगे, नगर निगम उसे आदेशित करेगा। क्या आश्वासन दिया आपको आपने जब वहां गए प्रण जी? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और आज पुलिस हो सकती है 145 की कायमी करे, और हमारा ये हमारी केयर टेकर है राधा वर्मा जी, राधा रेखा तिवारी जी, जो कि हमारी के जमीन की देखरेख करती हैं, ये वहाँ काम रुकवाने गई कि नगर निगम अधिकारी के ये आदेश हैं, ये आपको नोटिस दिया गया है काम ना कीजिए, और ये स्थगन आदेश है तो इनके फोटो निकाले गए, इनका वीडियो बनाया गया और कथित रूप से कल कई न्यूज़ चैनलों पे और पेपर में इनके फोटो और ये आपत्तिजनक बात की गई। हमें गुंडा बताया गया, भूमाफिया बताया गया, हमारे केयर टेकर को गुंडा बताया गया। एक महिला के बारे में ऐसा कहना प्रजापति जी को अच्छा लगता है? तो जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर जी, पहले से उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है क्या? अब ये जानकारी तो नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमें मामला ही 10 दिन में संज्ञा में आया है, जब 10 दिन में वहाँ काम चालू करा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।